झरोखा चैनल में आपका स्वागत है और आज हम आपको व्याकरण वाले हिस्से से क्रिया और उसके भेदों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्रिया का अर्थ क्या होता है। क्रिया का अर्थ होता है करना और इसकी परिभाषा है जिस पद के द्वारा किसी कार्य को करने का ज्ञान हो अथवा किसी प्रक्रिया में होने का ज्ञान हो अथवा किसी स्थिति में होने का ज्ञान या बोध होता हो तो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, पहला पक्षी चहक रहे हैं, चहकना क्रिया है। दूसरा हिना गा रही है, गाना क्रिया है। तीसरा मंजुल सो रहा है, सोना भी क्रिया है। यदि उदाहरण वाले वाक्यों को प्रश्न में बदल दें तो हमें क्रिया का ज्ञान हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि पक्षी क्या कर रहे हैं तो आपका उत्तर होगा चहक रहे हैं, बस चहकना क्रिया हमको मिल गई। और हम कहें हिना क्या कर रही है, आप कहेंगे गा रही है, बस यही क्रिया है। मंजुल क्या कर रहा है, आपका उत्तर होगा सो रहा है, तो सोना क्रिया हो गई। तो इस तरह से हम क्रिया को जान सकते हैं। अब चलिए जानते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया और दूसरा है सहायक क्रिया या गौण क्रिया। उदाहरण, एक उदाहरण से इस बात को समझेंगे। पक्षी चहक रहे हैं, इसमें चहकना क्रिया स्वतंत्र विधान करती है, इसलिए यह मुख्य या प्रधान क्रिया है। रहे हैं क्रिया अपनी ओर से कोई स्वतंत्र विधान नहीं करती, इसलिए वह सहायक क्रिया है। मैं इसको और सरल शब्दों में आपको बताता हूं कि पक्षी चहक रहे हैं, इसमें चहकना भी क्रिया है और रहे हैं भी क्रिया है, क्योंकि चहकने का काम कर रहे हैं, पर चहकना प्रमुख क्रिया है और रहे हैं उसका सहायक क्रिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। स्वतंत्र अर्थ देने वाली दो क्रियाएं जब मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया के रूप में एक साथ आती हैं तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए, मैं सिखा सकता हूं, इसमें तीन क्रियाएं हैं, सिखाना, सकना और हूं। अब इसमें जो सिखाना है वो तो हो गई प्रधान क्रिया, सकना सक्यता बोधक क्रिया है और हूं गौण क्रिया है। तीनों क्रियाएं आ गई इसमें, है ना, सिखाना, सकना और हूं। इस तरह पूरे वाक्य में संयुक्त क्रिया आती है और इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भेद जानते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो पहले ये जान लें कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, सकर्मक अर्थात कर्म के सहित। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे फिर से सुनिए, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कर्ता से इसका संबंध ना हो कर्म से हो। उदाहरण, कवि गीत रचता है, दूसरा तनया चाट खाती है। इसमें रचता है क्रिया का फल गीत पर और खाती है क्रिया का फल चाट पर पड़ रहा है, जो कि क्रिया है कर्ता नहीं है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगे। अब सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार हैं। पहला है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक।
तो जरा एक कर्म की परिभाषा को जान लें। जिस क्रिया का एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया का एक ही कर्म हो वह एक कर्म। उदाहरण, वह पाठ पढ़ता है, दूसरा सुप्रिया चित्र बनाती है, दोनों में एक ही कर्म हो रहा है, एक में पढ़ने का और दूसरे में चित्र बनाने का, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया हुई। अब हम आते हैं द्विकर्मक क्रिया पर। जब क्रिया के दो कर्म हो तो वह द्विकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण, विभा ने अपनी सहेली को उपन्यास दिया, दूसरा मयंक ने श्याम को अपने घर बुलाया। अब क्या, किसे और किसको या कहां प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा? सहेली को उपन्यास देने के लिए, श्याम को घर पर आने के लिए। तो इस तरह ये दो इसमें कर्म हैं कि सहेली को उपन्यास दिया, सहेली को दिया इसलिए एक कर्म है क्योंकि उसको दिया गया, और क्या दिया वो उपन्यास है। तो यह हुआ द्विकर्मक क्रिया। और अब जो दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक के शब्द के अर्थ से ही इस बात का बोध हो जाता है कि जिसमें कर्म ना हो रहा हो। परिभाषा देखिए, जब क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े तो वह अकर्मक क्रिया होती है। इसके पहले हमने जाना था कि जब क्रिया का फल जो है वो सीधे कर्ता पर ना पड़े, कर्म पर पड़े, तो वो सकर्मक। यहां उल्टा है कि जब क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, सुनैना गाती है, उमंग रो रहा है, प्रिया खेल रही है। अब अगर हम इसमें कौन प्रश्न लगाकर जानने की कोशिश करें तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कौन गा रहा है? उत्तर आएगा सुनैना। तो सुनैना कौन है? कर्ता। कौन रो रहा है? उमंग। उमंग क्या हुआ? कर्ता, रोने का काम कर रहा है। और कौन खेल रहा है? तो उत्तर है प्रिया। यह भी कर्ता है क्योंकि खेलने का काम प्रिया कर रही है। तो यह था क्रिया और उसके भेदों के बारे में विस्तृत परिभाषाएं और उदाहरणों सहित जानकारी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।